हेलो लवली पीपल, वेलकम टू वन मोर न्यू व्लॉग। तो ये है सैटरडे यानी कि 11 जून का दिन। तो हमें संडे को बेलगाम जाना था कुछ काम से, तो हम सैटरडे को ही निकल गए थे मम्मी के घर जाने के लिए। हमारे घर से मम्मी के घर तक ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर कवर हो जाता है, और दूसरे दिन सुबह हमें जल्दी भी निकलना था, इसीलिए हमने एक दिन पहले ही 60 किलोमीटर कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं बेलगाम के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर बहुत ही अंधेरा है और अभी तक उजाला नहीं हुआ है। ये अभी हम लोग कुलेम में पहुंचे हैं। दूध सागर बहुत नज़दीक है, यहाँ से अराउंड 12 किलोमीटर रहेगा दूध सागर मेन वाटरफॉल। तो जैसे कि आपने सुना, ये मेरे हस्बैंड की आवाज़ थी। वो ऐसे ही मुझे चिढ़ाने के लिए ब्लॉग बना रहे थे, तो मैंने उनका क्लिप एडिट नहीं किया, ऐसे ही रखा है जस्ट फॉर अ फन मोमेंट। यहाँ हम रुके थे भगवान के दर्शन के लिए। ये है दूधसागर टेम्पल। जब आप अनमोड़ घाट से ट्रैवल करते हैं तब ये टेम्पल आपको रास्ते के साइड में ही मिलता है। आपने ये वाला टेम्पल मेरे पहले वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा। सुबह का टाइम था और रास्ते पर ट्रैफिक बहुत ही कम था, और हल्की सी बारिश भी हो रही थी। तो मौसम का तो आप पूछो ही मत। इतनी ठंडी हवा और एक ग्रीनरी नज़ारा तो एकदम देखने लायक था। कितना खराब रोड है, शर्म करो इस पे, शर्म कुछ तो शर्म करो। अनमोड़ घाट क्रॉस करके जैसे ही चेक पोस्ट आता है, वहाँ से बेलगाम जाने के लिए दो रास्ते मिलते हैं। एक वाया खानापुर जाता है और दूसरा वाइल्ड लाइफ यानी कि फॉरेस्ट का रास्ता है। तो हम फॉरेस्ट के रोड से गए थे। रोड इतना ख़राब था, इतना ख़राब था कि आप पूछो ही मत, पूरे रास्ते पे खड्डे पड़े थे। लेकिन रास्ते की जो परेशानी थी वो यहाँ की ग्रीनरी ने पूरी तरह कवर अप कर ली। आप यहाँ का नज़ारा देखकर समझ ही चुके होंगे। जिस काम के लिए हम आए थे वो काम ख़त्म करके हमने ब्रेकफास्ट किया और चल पड़े शॉपिंग के लिए। बेलगाम आए और शॉपिंग ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेलगाम तो मेरा फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन है। तो ये है शाहपुर मार्केट में अहमदाबाद साड़ी सेंटर, यहाँ का मेरा सबसे फेवरेट शॉप। यहाँ पे मैंने साड़ी वगैरह की थोड़ी सी शॉपिंग की और फिर ऑटो करके पहुँच गए पंगुल गली में थोड़ी सी और शॉपिंग करने। शॉपिंग कंप्लीट करके हम लंच के लिए आ गए थे होटल विराट में, जो कि है उद्यम बाग में। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने गाड़ी पार्क करके सीधा बैक साइड से ही होटल में एंट्री ली। Thank you.
और लंच के बाद निकल गए सीधा घर के लिए। जाते टाइम हम गए थे फॉरेस्ट के रास्ते से, वहाँ का रास्ता ख़राब है तो सोचा इस टाइम दूसरे रास्ते से यानी कि NH वाया खानापुर से जाएंगे, पर ये रास्ता तो उससे भी ख़राब था जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और ये हमारी गाड़ी की हालत। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमेशा की तरह अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा पहलगाम से जो भी हमने शॉपिंग की है उसका शॉपिंग हॉल, वो भी देखना ना भूलें।